बैतूल जिले के चिचोली में भारतीय जनता पार्टी नगर तथा ग्रामीण मंडल ने राष्ट्रवादी नेता जनसंघ के संस्थापक महान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावन जयंती मनाई गई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल पटेल, संजय आवलेकर, मुकेश मालवीय, उमेश पेठे, मनीष सोनी, मोटू यादव सहित अन्य लोगों ने उनके जीवन चरित्र पर चलने का संकल्प लिया है। जनता पार्टी के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का जन्मदिवस है। आज ही के दिन वे जन्म उनका जन्म हुआ था। और अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ना होते तो जम्मू कश्मीर और अमरनाथ दर्शन के लिए पासपोर्ट की आज भी हमें ज़रूरत होती। हमें दर्शन के लिए आज भी पासपोर्ट लेने की आवश्यकता होती। जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट की ज़रूरत, उस समय भी परमिशन नहीं थी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी 1953 में बिना परमिट लिए और जम्मू कश्मीर निकल पड़े थे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद 23 जून 1953 में रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद परमिट हटा लिया गया और आज ही के दिन डॉक्टर साहब का जन्मदिवस है और भारतीय जनता पार्टी के वे संस्थापक रहे। उनका जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल चिचोली में आज मनाया गया, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित। खबर मध्य प्रदेश के लिए चिचोली से सुरेंद्र बावनी की रिपोर्ट।